हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हम मेनू का स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम आपको नींबू का अचार बनाना बता रहे हैं। फ्रेंड्स चलिए आइए इसे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैंने नींबू का अचार बनाने के लिए, देखिए मैंने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सरसों ले रखा है, ये अजवाइन है फ्रेंड्स, सौंफ है, और ये मेथी दाना है, हल्दी पाउडर, नमक, और ये जीरा ले रखा है। इन सब को फ्रेंड्स हल्का से भून करके इसको ग्राइंड करके दरदरा सा लेना है फ्रेंड्स। सादा नमक के साथ साथ फ्रेंड्स मैंने काला नमक भी ले रखा है, और इधर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है, ये नींबू है फ्रेंड्स आधा के जी। फ्रेंड्स इसे अच्छे से धोकर मैंने सुखा करके और इसे काट लेंगे फ्रेंड्स। इसे छोटा छोटा आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, वरना चार पीस भी कर सकते हैं इसे। फ्रेंड्स साथ में मैं चीनी भी डाल रही हूँ, चीनी भी यूज करूँगी तो खट्टा मीठा सा टेस्ट रहेगा इसका। आजकल सर्दी का समय है फ्रेंड्स, तो नींबू आसानी से मिल जाता है, तो इसे भी ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स इसे देखिए मैंने धोकर सुखा लिया है और इसे काट लेंगे। फ्रेंड्स मैं चार टुकड़ों में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स मैं काट लेती हूँ सारे। फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई में रख दिया गरम करने के लिए, और इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने सौंफ डाला, जीरा डाला, मेथी दाना, सरसों और अजवाइन है फ्रेंड्स। इसे हल्का से रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पर। देखिए फ्रेंड्स इसमें सुगंध आने लगी है महक, और ये आवाज़ भी चट चट सी होने लगी है, तो गैस ऑफ कर देंगे। बस इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसे ठंडा करेंगे, हल्का सा दरदरा सा ही इसे ग्राइंड करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है, तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। दरदरा सा ही चाहिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने काट के ले लिया है। मैंने एक नींबू में चार पीस किया फ्रेंड्स, आप चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं इसे। फ्रेंड्स मैंने ये दरदरा सा मसाला लिया है, ये वही मसाला है फ्रेंड्स जिसमें मैंने सौंफ, जीरा, मेथी ये सब डाल के पीसा था, ग्राइंड किया था, वही इसे डालेंगे। हल्दी पाउडर लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच ही मैंने मिर्च पाउडर ले रखा है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं काला नमक भी डाल रही हूँ, और सादा नमक भी थोड़ा सा डालूंगी फ्रेंड्स। मिक्स करेंगे इसे। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी पाउडर करके डाल सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने नींबू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स नींबू में विटामिन सी का स्रोत होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने इसमें ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं किया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अचार बन के रेडी है फ्रेंड्स, और इसमें फ्रेंड्स मैंने ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं किया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये कब्ज, किडनी खराब, गले और मसूरों से जुड़े परेशानी से आराम दिलाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसे ज़रूर बनाइए और घर में अचार पराठे के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजली बन जाने वाला है फ्रेंड्स ये। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।